हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा विशा। आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत हमारे चैनल पर। एक दफा फिर से जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को शेयर कर देना। आज हम वीडियो लेकर आ गए हैं वही बड़े दिनों के बाद, सीमा इधर उनके हस्बैंड की एक न्यू डेट आई है जिसमें वो दोनों एक दूसरे को बातें कर रहे हैं। अभी देखते हैं कि क्या हमें इस वीडियो में देखने में मिलता है। बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो मैंने थोड़ी सी देखी थी। प्लीज आप इस वीडियो का एंड तक देखिए, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखते हैं जितनी मतलब यहाँ खुश हूँ ना, इसके एक परसेंट भी मैं पाकिस्तान में खुश नहीं थी। ये बोल रहे हैं इनके पास तस्वीरें आपकी, मेरा पूरा परि इनके पास तस्वीरें जिसमें आपके साथ मारपीट की गई है, चेहरे पर जख्म है। अभी अभी कोई बड़ी बात नहीं है, इसका जवाब सीमा देगा मुझे। अब मोबाइल में ऐसी दिखा दीजिए ना, दिखाओ कौन सी तस्वीरें दिखाइए। सीमा बोल रही है दिखाइए दिखाइए। एक मिनट हाँ, अगर इसमें देर नहीं लगेगा इसका जो है ना खोलने में। हाँ नहीं तो सीमा तो बोल रही है कि आइए दिखाइए तस्वीरें, जो सबूत आप कह रहे हैं। ये कहां से मिले आपको सबूत, किसने दिए? कोई भी हो ऐसा ना बोलो कि दिखाइए 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 आप दिखाइए। सीमा सबूत दिखाने वाले हैं ये, दिखा दे कोई बात नहीं, मैं भी तो देखूं। हाँ कैसे पड़ी है मुझे क्या लगता है कहां से तस्वीरें आई होंगी इनके पास जो ये कह रहे हैं दावे कर रहे हैं? ऐसा कुछ है ही नहीं, तो जब हमारे घर में कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट होती ही नहीं तो इनके पास तस्वीर कहां से है? जिससे मैं बात कर रहा हूं इनसे, मैं फॉरवर्ड करके एक मिनट में चला जाता हूं फिर दोबारा आता हूं, ठीक है? अरे अरे नहीं 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 सुनिए 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 मेरी बात। ऐसे कोई कोई बात नहीं, मुझे वाघा बॉर्डर पे पहुंचा दिया इन लोगों ने, चाहे वो भी मैं होंगी, कई बार मैं वाघा बॉर्डर पे पहुंच गई हूँ तो वो भी मैं ही होंगी ना। ऐसे एक मिनट लगेगा, मैं दोबारा आ रहा हूँ। अरे मेरी बात सुन रहा हूँ ना, अब दोबारा आते आते आप चले गए तो कुछ पता नहीं है मुझे। बस ये बताइए आप अपने बच्चे कितना मजबूत मान रहे हैं। सीमा बोल रही है कि कोई ताकत उनको उनके बच्चों से अलग नहीं कर सकती है, वो यहाँ पर खुश है, उनके बच्चे खुश है। नहीं कह सकता, ये इंडिया के अदालतों पे आप लोगों से भाई बहनों से मुझे पूरा उम्मीद है। मेरे बच्चे हैं, सीमा इलीगल लेकर गया, चोर है, घुस बैठा है, चोर है। मैं सीधा फ्रंट पे बैठा हूँ, मैं इंडिया जल्द से जल्द आऊंगा, मुझे इंडिया के लोग इंसाफ दिलाएंगे। मोदी जी, योगी जी, भारत के जो लोग हैं, मैं उनसे ही उम्मीद है मुझे। अच्छा मोदी जी और योगी जी से उम्मीद है आपको? अभी भी देखो, अभी भी नेता भी ये चेहरा छुपाया हुआ, ताजी मार पड़ी है। सीमा अभी भी आप देख रहे हैं, सीमा गुलाम हैदर अभी भी आपकी कितनी फिक्र कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं आपको ताजी मार पड़ी अभी। थैंक यू, बोल रहे ताजी मार पड़ी है मेकअप से। आपको कौन मारेगा, आपको किस लिए इतना जो है, किसके कहने पे आप बयान देते हो? आप एक दफा बोल दो भाई। तो वही तो सीमा से पूछ लेते हैं ना, सीमा को बोलने तो दीजिए। अब या तो आप सीमा की सुनते नहीं थे इसलिए सीमा ऐसा कर रही है। अब आप अपनी बात बोलते हो तो सीमा को भी बोलने का अधिकार है। सीमा की भी बात सुनिए ना गुलाम हैदर। हाँ सीमा, अगर मेरी जान को खतरा है, अगर मुझे कहीं मारा जा सकता है वो है पाकिस्तान। मेरे बच्चों की जान को खतरा है, मेरे बच्चों को मारा जा सकता है वो है पाकिस्तान। भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, भारत में ऐसा रूल ही नहीं कि औरतों को मारा पीटा जाए। यहाँ औरतों को, आदमी से ज्यादा औरतों का सम्मान है, ये मैं बता दूं आपको, आदमी से ज्यादा औरत का सम्मान है। यहाँ कोई मार बिचारी झगड़ा ऐसा कुछ नहीं चलता, ठीक है? हम में मोहब्बत ही मोहब्बत है, हम में लड़ाई नहीं है। मेरा परिवार बहुत अच्छा है सीमा, लेकिन अभी गुलाम हैदर को बहुत चिंता हो रही है आपकी कि आपके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। ये देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये सोच है, ये पाकिस्तान के जाहिल गवार दहशतगर्द, वो क्या कहते हैं, जहादी यूट्यूबर है, चाहते हैं कैसा हो, पर ऐसा कभी भी नहीं होगा। सीमा सचिन में कभी लड़ाई नहीं होगी, मैं बहुत खुश हूँ। मार खाई है तो कभी मैंने हैदर के हाथों से खाई है, हैदर को याद होगा कितनी बार मारा है इसने मुझे, वो चीजें तुम्हें याद होंगी। अभी दो मिनट का काम है मुझे, एक मिनट लाइफ से हटाकर मैं दुनिया में फैसला तू कर, भगवान को मानता है, भगवान के कसम का अगर कहो या बच्चों पे हाथ रखो कि तुम डिप्रेशन में नहीं हो, तुम्हारे मार नहीं पड़ता, तुम अपनी माँ की कब्र पे। गुलाम हैदर इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान सब आपको देख रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, सीमा ने अभी खुलकर, सुनिए ना, सुनिए 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 गुलाम हैदर बात सुनिए, आपको भरोसा है ना भारत पर, आप मेरी बात सुनिए। अभी सीमा हैदर ने सभी के सामने कही है कि अगर उसने कहीं पर मार खाई है तो आपसे मार खाई है, अगर किसी ने पीटा है तो आपने पीटा है। बताइए क्या आपने कभी नहीं पीटा उसे? नहीं, तू कौन होता है सर? देखो आप पक्ष सुनो, आप कैसे कह सकते हो कि आपसे मार खाई है? आप साथ में था, आप देख रहे थे,
अरे अभी आप दावा कर रहे हैं ना, अरे गुलाम हैदर अभी दावा कर रहे हैं ना कि ये फिट रही है। नहीं एक मिनट मुझे दो, मैं अभी क्लियर करता हूँ। सीमा ने बोला है मेरे गुलाम भाई, सीमा ने बोला है कि आपने उसके साथ अत्याचार किया, हाँ या ना? सर एक मिनट मैं दोबारा आता हूँ, एक मिनट में सीमा अपना चेहरा खुद तो पहचान लेगा। प्रियंका का जन्मदिन, सीमा अपनी बात रखिए। हाँ बोलिए सीमा। प्रियंका का जन्म हुआ था, हैदर की माँ आई हुई थी हमारे घर पे, तो हैदर से पूछो, मेरे मुंह में मिर्ची तक लगाई थी। एक महीने तक मैं अपने बाप के घर चली गई थी, तलाक तक की बात पहुंची थी, बट फिर भी इन लोगों ने मुझे जबरदस्ती वापस बुला लिया। याद करो वो क्या नाम है सीमा, जो वहाँ आमना वालों के घर पे मैं रहती थी, तुम याद करो ईद के दिन थे, तुमने मार के घर से निकाला कि नहीं, याद है? मुंह में मिर्ची तक लगाई, तुम और तुम्हारी माँ अकेले घर पे रह गए, मैं अपने अब्बू के साथ चली गई थी, याद है? मुझे एक मिनट याद दो। है मैं, देखो सीमा एक वो मरियम याद है जिसे रस्ते में घुमाया करते थे, वो याद है? मेरी नाक से भी खून निकाला था तुमने, वो याद है? वो गालियाँ याद है? बच्चन उनका बाप नहीं है, याद है? बच्चे पाकिस्तानी है, हैदर के बच्चे हैं। आपने हक खो दिया, आपने मुल्क छोड़ा, इस्लाम छोड़ा, आप जही का कुछ हो है, वो है दिलशाद और दिलशाद और साजिदा, पहले उनको केयर करो, ध्यान रखो उनके, उनको अच्छे से पालो। मैं आप अपने बच्चे ध्यान दे रहे हो, स्कूल का मुंह देखा है उन्होंने, और तुम बताओ तुम जो कहते हो साजिदा की शादी नहीं हुई, क्या साजिदा का निकाह नहीं किया गया 2.5 लाख में? बोलो बचपन में निकाह नहीं किया था उसका मोलजादी के सामने, मेरे सामने, मेरे सामने मोलजादी के सामने, क्या उसका निकाह नहीं हुआ था? अमीर जान ने तुम्हारे पास के गांव वाले जो बागी खान के गांव की साइड ही तुम्हारी बेटी का निकाह नहीं हुआ 2.5 लाख में? तुमने कहा तुम्हारी भैंस भी बेची गई थी, तुम्हारी बेटी का भी निकाह हो गया, याद है? मासूम बच्ची है, मैं उसके पक्ष में नहीं बोल रही, मैं जो तुम्हारा नकली बाप है ना, मैं उसके लिए बोल रही हूँ। अमीर जान जो नकली बाप है तुम्हारा, मैं उसके लिए बोल रही हूँ, वो जालिम इंसान है, वो तुम्हारे बच्चों को बेच चुका है, उनके लिए हो। बच्चों पे ऐसा ऐसी बातें मत करो कभी भी, छोटी बच्चियां हैं, साजिदा भी किसी का, जो हरकत है मैं सच बताऊंगी, मैं गलत नहीं बोलती, मैं कभी भी गलत नहीं बोलती। आप पता नहीं आपको क्या हूँ तलवार है, अपना मुल्क छोड़ के बच्चे लेकर आप अभी इधर बैठ के आपको ताली मार पड़ी है, ये मुझे पता है। कितने पही पही निकला भी है, आपको कौन कहलवाता है इसका मुझे नहीं पता। तमाम जल्द आपको अच्छे लोग आएंगे, आपसे मिलेंगे, हाल अहवाल करेंगे, आपको मैं लेकर जाऊंगा जल्द से जल्द। सीमा मुल्क की बात कर रहे हैं, सीमा मर जाएगी, मिट जाएगी, मैं यही मरूंगी, यही जीऊंगी, आखिरी सांस तक यही रहूंगी, मैं कभी भी कहीं, अगर ऐसा होता है मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी। कानून इंडिया का है, मोदी कोई भी कानून, कोई भी कानून, कानून सिर्फ तुम्हारे लिए बने हैं, कानून मेरे लिए नहीं बने, कानून सिर्फ तुम्हारे लिए बने हैं, पाकिस्तान के कानून भी तुम्हारे हैं और हिंदुस्तान के कानून भी तुम्हारे लिए हैं, मेरे लिए कोई कानून नहीं है, मैं भी तो माँ हूँ, मैं भी तो माँ हूँ, मेरे लिए कोई कानून नहीं बना, कौन मैं भी देखती हूँ कौन सा कानून एक माँ से एक बच्चे छीनता है, मैं भी देखती कौन सा कानून है, वो कौन सा ऐसा वकील है जो एक माँ से बच्चे छीनेगा, वो बच्चे जो एक माँ से एक मिनट एक सेकंड मेरे से दूर नहीं जी सकते, वो तुम्हें भी पता है कि मेरे बगैर बच्चे एक मिनट भी नहीं रहेंगे, तुम्हें पता है, अच्छे से पता है तुम्हें। क्या बनेगा कल, कल तुम्हारी डेथ हो रहा है तो बच्चों का क्या बनेगा बता मुझे, मौत पे जिंदगी में कोई भरोसा है बच्चों का? तुम मर गए तो बच्चों का क्या, तुम जो दावा करते तुम जिंदा रहोगे, चलो मैं भी मरना एक दिन सबको है, तुम हमेशा जिंदा रहोगे? नहीं बच्चों का, तुम बताओ तुम्हारा कौन है वहाँ पे, कोई है तुम्हारा वहाँ पे? जवाब दे दो हैदर, अरे गुलाम हैदर जवाब दे दो, वो भी तो पूछ रही है, आपने बोला कि इसके बाद कौन देखेगा, तुम्हारे बाद कौन देखेगा, ये सीमा पूछ रही है, बताओ। इनका ना सगा बाप है, ना सगा भाई है, ना सगी बहन है, कौन है तुम्हारा यहाँ मेरे सच्चे के लिए? उनकी माँ, मेरी माँ है, सुमेरा है, वो माँ जो 80 साल से ऊपर है वो जिंदा रहेगी, मैं मर जाऊंगी, तुमने लिख रखा है, तुम मरोगे, मैं मर जाऊंगी, जिंदा रहना मैं मर जाऊंगी, कोई भी वारिस नहीं है, कोई भी वारिस नहीं है, मैं हिंदुस्तान में अकेली नहीं हूँ, पूरे हिंदुस्तान के लोग मेरे साथ हैं, पूरे भारत के लोग मेरे साथ हैं, भूल नहीं है, लोग कोई किसी के लिए 10 रुपए खर्च नहीं करता, यहाँ लोग आए दिन मेरे लिए पता नहीं क्या से क्या करते हैं, ये प्यार है जिनको मैं जानती तक नहीं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोग पाकिस्तान के लोगों की तरह नहीं है,
खुद नहीं है, अल्लाह करे आपको लोग बंगला दे, गाड़ी दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खुश रहो, मगर बच्चियों का वारिस मैं हूँ, बाप हूँ, ये याद रखना, बच्चों के वारिस मैं हूँ, भी बच्चों के वारिस तो मैं हूँ, माँ भी हूँ, मैं उनकी बाप भी हूँ, और आज का बाप इनका सिर्फ सचिन है, ये अदालत करेगा, तुमने गलत किया इसका सजा आपको आएगा, ये याद रखना की हैदर मुझे छोड़ेगा, ये आप ख्वाब में भी आप जो है ना आपको नींद से भी आपको पता चलेगा कि हैदर हैदर है। जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो, तो यार आप सबकी राय क्या है इस हवाले से? वो अपना चांदी के बच्चे मेरे को रहा, वो कहता मेरे को पता है जी हो ना, मतलब यार वो सीमा हैदर के पास इतनी देर से बच्चे हैं, तो वो बच्चे जो है आपको पता है कि वो अपने माँ के साथ रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कहीं पे भी आप जाके देख लोगे ना तो हर जगह पे आपको यही दिखेगा, बच्चे जो होते हैं वो माँ से ज्यादा अटैच होते हैं, क्योंकि फादर जो था हुकूमत देती है माँ का ही, हाँ माँ को हक देती है कि वो जो बच्चे है ना सबसे पहले अपनी माँ के पास रहे, अगर माँ उनको रखना ना चाहे तो वो बाप के पास जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता दुनिया की कोई भी अदालत जो है सीमा को उसके बच्चों से अलग कर सकती है। और ये जो हैदर है ना बड़ा फ्रॉडिया किस्म का मुझे इंसान लग रहा है, इसने बोला कि मेरे पास वीडियो है, तो अगर वीडियो है तो तुम दिखा क्यों नहीं रहे, एक मिनट ये क्या हुआ, एक मिनट वो बोला उसके मार खाने की वीडियो है मेरे पास तो दिखाओ ना उसके फेस से, तो बिल्कुल वो सको वो जो सीमा मैंने काफी टाइम के बाद देखी है, तो मुझे तो अभी वो थोड़ी हेल्दी लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो अभी ज्यादा खुश है, पाकिस्तान से ज्यादा वो वहां पे खुश है। और ये भाई हर एक लड़की की अपनी मर्जी है, वो जिस भी लड़के के साथ रहना चाहती है, वो बोल रही है कि उनके जो बच्चे हैं बहुत खुश हैं, जो है सचिन है उनको बहुत ज्यादा खुश रखते हैं, और इंडिया के जो लोग हैं वो उनके साथ बहुत ज्यादा में मोहब्बत के साथ पेश आते हैं, तो और उनको क्या चाहिए, वो बोल रहे हैं कि ये जो हैदर है ना मुझे आए दिन मारता पीटता था, मेरे मुंह में ना मर्चियां भर के डाल देता था, मेरी बच्ची कहता कहती है पैदा हुई तो इसमें इसकी माँ आई और आग मुझ पे नाक मार मार मेरे नाक से खून निकाल दिया, अभी एक लड़की क्यों झूठ बोलेगी मैं कि मेरे साथ ऐसा उसने किया वैसा किया, तो आखिर ये आदमी और मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वो बोल रही अगर मुझे पाकिस्तान भेजा तो ये जो है ना मुझे खत्म कर देगा। मैंने सुना भी जो सिंध वाले इलाके के जो लोग होते हैं ना वो बड़े अनाप्रस्त होते हैं कि हमारी जो वाइफ है उसको ला के हम काट देंगे लेकिन किसी के पास रहने नहीं देंगे, ऐसा मैंने सुना है, ऐसे लोग होते हैं वहां पे, अभी पता नहीं कितनी हकीकत है कितनी नहीं है। मैं तो बोलती हूँ अभी वो अपनी मर्जी से गई हैं तो उनको वहां पे खुश रहने दिया जाए, ये नहीं है कि उनको किसी, ये आदमी पता नहीं उसके जहन का सुकून जो है वो बर्बाद करके रखा हुआ है, अभी इसने पता नहीं अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, आपका क्या राय है इस हवाले से बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर मिलता है कौन टीम, थैंक यू।